हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एप्टी गुरु। मैथ्स फंडा में फिर से आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे हाउ टू मल्टीप्लाई बाय 11। ओके, 11 का टेबल आपको आता है, फटाफट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो छोटे नंबर की बात ही नहीं करेंगे, राइट? क्योंकि मुझे पता है अगर कोई छोटा नंबर लिखूंगा तो 11 का टेबल पढ़ के आप फटाफट से 2 डिजिट तक तो आराम से कर लेंगे। मैं लेट से कोई बड़ा नंबर लिख लेता हूं, सपोज करो मुझे मल्टीप्लाई करना है 4367 को 11 से मल्टीप्लाई करना, राइट? तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे एक स्टेप कि आप बस मतलब बड़ा जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, राइट, उसको 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना, तो दोनों तरफ हम लगा लेंगे जीरो, उस नंबर के दोनों तरफ एक एक जीरो लगा लेंगे, राइट, एक जीरो ये एक जीरो ये, नंबर के दोनों साइड हमने जीरो लगा ली, राइट। अब क्या करना है, इन दो पेयर लेना है राइट से, इन दोनों को ऐड करके यहां लिखना है 7, राइट, इन दोनों को 7 और 0 को ऐड किया आपने लिखा 7, अब 6 और 7 को ऐड किया आपने लिखा 13 का 3 1 कैरी, ओके। अब 3 और 6 9 ऐड किया 1 कैरी था, 9 एंड 1 10 0 1 कैरी, फिर 4 3 को ऐड किया 7 एंड 1 कैरी था 8, अब 0 और 4 को ऐड किया तो आपका आया 4, तो ये आपका आंसर है, राइट, 4 8 0 3 7 ये आपका आंसर आ गया, ओके। तो चलो दोबारा समझते हैं, किसी को इनटू 11 करना हो तो जल्दी से कैसे करना है, राइट। मैं फिर से एक बार कोई रैंडम नंबर लिख लेता हूं, बड़ा नंबर लिख लेता हूं, लेट से 3 8 2 6 5 4, इसको मुझे इंटू 11 करना है, राइट। तो इंटू 11 करने के लिए मैंने क्या कहा, आप पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ एक एक जीरो लगा लेंगे, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे यहां लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे यहां लिखेंगे, इन दोनों को ऐड किया तो 11 आया 1 और 1 कैरी, ओके, 2 6 8 और 1 कैरी था तो 9 हो गया, राइट, 8 2 10 10 का 0 1 कैरी, 3 8 11 एंड 1 कैरी था 12 2 1 कैरी, 0 एंड 3 प्लस 1 कैरी था तो 4, तो आपका आंसर आया 4 2 0 9 1 9 4, राइट, इंटरेस्टिंग है ना। तो इंटू 11 जब भी करना है नंबर को देखो और सीदा ऐसे से बस इमेजिन कर लो, जीरो दिमाग में इमेजिन कर लो, आगे जीरो है और ऐसे ऐसे ऐड करके फटाफट से नंबर को लिख दोगे, राइट। एक और करके देखते हैं, राइट, एक और करके देखते हैं, लेट से हमारा नंबर है 4 6 1 2 3, लेट से बस इतना ही लिख लेते हैं इस बार, इंटू 11, ओके। तो क्या करेंगे, फिर से दोनों तरफ जीरो अज्यूम कर लेंगे दिमाग में, या लिख रहे हो तो लिख डालो, ओके। तो 3 plus 0 3 2 plus 3 5 1 plus 2 3 6 plus 1 7 4 plus 6 10 का 0 1 कैरी, 0 प्लस 4 और 1 कैरी था तो 5, राइट, तो हमारा आंसर आ गया 507353, राइट, ओके, इंटरेस्टिंग। प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, राइट, मैं बहुत सारे डिफरेंट मेथड आपको सिखाता रहूंगा, ओके, तो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जल्दी सोचना सीखेंगे, ओके। और इंटू 11 का वैसे पर्पस बहुत होता है, कभी भी 10% इंक्रीज करना होता है तो इंटू 11/10 कहते हो, तो कई बार आपको 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, बड़े नंबर होंगे तब आपको ऐसे, अदरवाइज 11 का टेबल भी पढ़ सकते हैं, छोटे नंबर में 11 का टेबल पढ़ दोगे तो काम चल जाएगा, ओके। चलो फिर आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।